नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन से अज्ञात एक व्यक्ति का शव रात्रि 9 बजे हुई बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। गढ़वा में रेलवे पुलिस ने आज गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे ट्रैक के आधा धड़ से कटा एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। रेलवे पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। पुलिस के अनुसार ये शव कल यानी शुक्रवार की देर शाम लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही, लेकिन रेलवे विभाग की घोर लापरवाही के कारण आज सुबह तक उस अज्ञात शव को रेलवे लाइन समीप उसी स्थान पर उसी हालत में छोड़ दिया गया। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार विगत रात्रि करीब 9:30 बजे यह घटना घटी है। यह घटना कैसे घटी है, हत्या है या आत्महत्या, इसकी स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है अथवा दुर्घटना का शिकार हुआ है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। है 9:35 में कब स्टेशन मास्टर सूचना हम लोग कब की घटना है रात्रि। अच्छा, रात्रि 9:21 स्टेशन सूचना मिला कि डेड बॉडी लाइन पर पड़ा हुआ है। हम लोग आए, अटेंड किए तो देखे कि आधे पूरा धड़ जो आधा कटा हुआ था, और हम लोग अपनी सहायता और स्टेशन पोर्टर की सहायता से इसको लाइन को बाहर किया गया। बावजूद उसके अभी भी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। पड़ी हुई अभी जीआरपी के नहीं आई है, जीआरपी का मैटर है, जीआरपी आएगा तो बॉडी हटाएगा। रात के बावजूद भी अभी इतना लेट, अब जीआरपी मैटर है, जीआरपी समझे। सूचना मिली है? हाँ, सूचना दे दिया गया, रात में मेमो वगैरह सब दे दिया गया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार ओझा। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।